लड़कियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है और मुकाम भी हासिल कर रही है। इसी क्रम में मिथिला विश्वविद्यालय के अधीन संचालित नागेंद्र झा महिला महाविद्यालय जो दरभंगा शहर में स्थापित है, इस महाविद्यालय की एनसीसी की छात्रा कंचन राय, जो बिहार झारखंड क्षेत्र से सिर्फ एक ऐसी लड़की है जो नेपाल में होने वाले कार्यक्रम में इनका चयन किया गया। पिछले माह फरवरी में यहाँ एक कार्यक्रम आयोजन किया गया था जिसमें बिहार और झारखंड से सिंगल ये छात्रा थी जिसे एक कार्यक्रम में चयन किया गया, जिस कार्यक्रम का नाम था युवा आदान प्रदान कार्यक्रम, जिसके तहत इन्होंने नेपाल में जाकर बिहार झारखंड का प्रतिनिधित्व किया, बिहार का पंचम लहराया। आपको बता दें कि मिथिला की लड़की ने जो जिस प्रकार से बिहार झारखंड का प्रतिनिधित्व करके नेपाल में जाके पंचम लहराया, इस क्षेत्र का जो व्यक्तित्व गौरव और मिसाल है वो हर क्षेत्र में पंचम लहराता है। इसी क्रम में इस महाविद्यालय की छात्रा ने नेपाल में जाकर यहाँ का प्रतिनिधित्व किया। आपको बता दें कि सिर्फ सिंगल ये लड़की थी जिनका चयन एनसीसी के तहत इस कार्यक्रम के लिए किया गया। वहीं इस संबंध में इन्होंने वहाँ के अनुभव के बारे में, क्या वहाँ कार्यक्रम हुआ, किन लोगों से मिली, किन किन देश के एनसीसी कैडेट आई थी, सुनिए उन्हीं की जुबानी। वहां इन्हें मेडल भी प्राप्त हुआ। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। और पिछले महीने मुझे इंडिया एनसीसी के द्वारा किए जाने वाले युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत नेपाल जाने का अवसर प्राप्त हुआ। और हम लोग 15 तारीख को, पहले उससे पहले तो 6 फरवरी को हम लोग यहाँ से दिल्ली गए, जहाँ पे हमारा प्रिपरेशन कैंप था, जहाँ हमें नेपाल के लिए तैयार किया गया। हमें सब कुछ सिखाया गया कि किस तरीके से हमें वहाँ पे अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम करना है, किस तरीके से हमें अपना कंडक्ट करना है। वहाँ पे 15 तारीख को हम लोग नेपाल के लिए रवाना हुए। वहाँ जाके सबसे पहले वहाँ के DGNCC जो थे उन्होंने हमारा स्वागत किया, हमें डिनर और टी पार्टी वगैरह सब कुछ उनके साथ इंटरैक्ट करने का अवसर मिला। और वहाँ पे इंडिया के अलावा पाकिस्तान, मालदीव्स और नेपाल के कैडेट्स के साथ भी हमें इंटरैक्ट करने का मौका मिला। और हमारे पूरे देश से, सभी राज्यों से कुल 16 कैडेट्स गए थे, जिनमें मुझे बिहार और झारखंड का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। दूसरे दिन हम लोग वहाँ पर PMO गए, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, और वहाँ पे हमें वहाँ के प्रधानमंत्री से बातचीत करने का अवसर मिला, सॉरी राष्ट्रपति श्रीमती विद्या देवी भंडारी से बातचीत करने का अवसर मिला। और उन्होंने, एक महिला होने के नाते, उन्होंने लड़कियों को काफ़ी प्रोत्साहित किया। और उसके बाद उनके साथ हमें डिनर करने का बहुत सुनहरा अवसर मिला। फिर उसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ भी हमने इंटरेक्ट किया, और आर्मी डे परेड पर हमने वहाँ के सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, कंस्ट्रक्ट होता है, वो सब जानने का मौका मिला हमें। और उसके अलावा हमने नेपाल के पोखरा, चंद्रगिरी और भी कई सारे साइट्स का हमने टूर लिया। और सब मिला के इस जर्नी से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और मैं अपनी तरह दरभंगा में रहने वाली कई लड़कियों को सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर कभी तुम हार जाओ तो मन से मत हारो, क्योंकि हो सकता है 2 मिनट को तुम्हें लगे कि मतलब नहीं हो पाएगा तुमसे, या तुम मन से थोड़ा हारने लगो, पर 2 मिनट के लिए, उसी 2 मिनट के लिए तुम थोड़ा सा हौसला बनाए रखना, क्योंकि आगे जाके कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा। इसके पीछे सबसे पहले तो मैं मेरे माता पिता, मेरी ANO और मेरे कमांडिंग ऑफिसर्स को शेयर देना चाहूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं आज से 2 साल पहले जो मैं थी उस पे देखा जाए तो मैं कुछ असफलताओं के कारण थोड़ा निराश थी, पर इन लोगों ने मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया, हमेशा मुझे गाइडेंस दी, और इसी वजह से जो आज मेरा अचीवमेंट है मैं वो प्राप्त कर पाई हूँ। मालदीव से भी 8 कैडेट्स थे और पाकिस्तान से भी थे, और नेपाल के तो वहाँ पर होस्ट कंट्री थी, दो तो थे। तो पूरे देश से जो 16 कैडेट गए थे जी, कैसा आपको अनुभव प्राप्त हुआ और आगे आप इस क्षेत्र में कहाँ तक जाना चाहती हैं? मैं इसके बाद डिफेंस ज्वाइन करना चाहूँगी। और रही बात युवा आदान प्रदान कार्यक्रम की, तो इस दौरान मुझे ये लगा कि ये एक तरीके से नेशनल इंटीग्रेशन के लिए अच्छा था, क्योंकि सभी हम 16 कैडेट्स जो थे अलग अलग राज्यों से थे, सभी का संस्कृति, सब कुछ अपना अलग अलग था, तो इस
युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के दौरान हमने न केवल नेपाल, मालदीव्स और पाकिस्तान बल्कि अपने देश के बारे में भी हमने वहाँ की जो संस्कृतियाँ हैं एक दूसरे के माध्यम से काफ़ी कुछ जाना और सीखा। तो क्या आपको भी कुछ रिप्रेजेंट करने का मौका मिला? जी बिल्कुल, क्या अच्छी चीज़ें हैं, मिथिला पेंटिंग्स वगैरह मुझे करने का मौका मिला वहाँ भी। अच्छा, आप खास करके छात्राओं को इससे क्या संदेश देना चाहती हैं कि वो इस क्षेत्र में आके या अन्य क्षेत्रों में कैसे सफलता हासिल करें? मैं बस उनको ये कहना चाहूँगी कि अपने ऊपर विश्वास रखें, बाकी सब कुछ हो जाएगा और मेहनत करें थोड़ा सा। जैसा आप सब जानते हैं कि एनसीसी हमारे देश की सबसे बड़ी युवा संगठन है और उस युवा संगठन के 8 बिहार बटालियन बिहार झारखंड डायरेक्टरेट का एक हिस्सा है और नागेंद्र झा महिला महाविद्यालय जो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का एक अंग है, तो मैं उसमें एज ए प्रोफेसर और एनसीसी के एएनओ के तौर पे कार्यरत हूँ और मेरे लिए ये बहुत ही गर्व का विषय है कि सीनियर अंडर अफसर कंचन रॉय जो अभी यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम 2023 में विदेश यात्रा करके लौटी हैं, ये न सिर्फ मिथिला विश्वविद्यालय के लिए, हमारे महाविद्यालय के लिए, बल्कि एक बिहार बटालियन और पूरे बिहार झारखंड डायरेक्टरेट के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सुबेदार मेजर गौतम राय, 8 बिहार बटालियन एनसीसी। जैसे कि आप सभी को अवगत है कि हम यहाँ पर एनसीसी के कुछ एक ट्रेनिंग चलाते हैं, इसके अंतर्गत हम अपने बच्चों को एनसीसी के गर्ल्स कैडेट हो या बॉयज कैडेट, सभी बच्चों को एक जागरूकता एवं देश के लिए देशभक्ति और लीडरशिप, नेतृत्व करने वाली क्षमता, चरित्र निर्माण, इन सभी विषयों में हम उन्हें जोर देते हैं ट्रेनिंग पर। इन हालातों के चलते नेशनल कैंप और इंटरनेशनल कैंप भी लगाते रहते हैं। इन हालातों पर अभी हमारे 8 बिहार बटालियन एनसीसी से सीनियर अंडर ऑफिसर कंचन रॉय का चयन हुआ, जिसे हम बहुत ही खुश एवं गर्व महसूस करते हैं कि